नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मेनली कंपैरिजन करेंगे। मेरे पास देखिए दो DC 775 बियरिंग मोटर है, तो इन दोनों मोटर का आर्मेचर का जो वेंडिंग है, आर्मेचर का जो सॉरी बाइंडिंग है, वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, उसके बाइंडिंग के हिसाब से मोटर का स्पीड में कैसा फर्क आता है एंड मोटर कौन सा पावरफुल होता है, मतलब कैसा बाइंडिंग पे कैसा पावरफुल होता है मोटर, करंट कंजम्पशन में क्या वैरायटी आता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो देखिए ये रहा दो मोटर, ये वाला देखिए पहला वाला ये डीसी मोटर है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है हाई आरपीएम एंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, बियरिंग वाला मोटर है एंड डी सैप में है ये वाला मोटर। सेकेंड जो मोटर है ये वाला दोस्तों, इसमें लिखा है फॉर फैन पर्पस एंड आप देख सकते हो इसमें भी बियरिंग है एंड सैप जो है वो राउंड शेप में है। दोनों मोटर आपका लगभग सेम साइज का है, इसका जो सैप्ट है थोड़ा सा ज्यादा है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए इधर पे मेरे पास ये दो मोटर है। ठीक है, एंड ये रहा मेरे पास बैटरी पैक ये दोनों मोटर को मेरी चेक करने के लिए, जो कि 12 वोल्ट 6 एम्पीयर आवर का एक लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक है। तो बस मैं क्या करूँगा, देखिए मैं ऐसा एक सॉकेट की मदद से इसको कनेक्ट कर देता हूँ एंड दोनों मोटर को बारी बारी पावर देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए मैं जो फैन वाला जो मोटर है, फॉर फैन लिखा हुआ है, उसको मैं पावर देता हूँ एंड आप लोग इसका देखिए कैसे ये पावर होता है। ये रहा फैन वाला, अभी चलिए चेक करते जो हाई आरपीएम एग्रीकल्चर है वो वाला को। तो दोस्तों साउंड सुनकर आपको लग रहा है जो एग्रीकल्चर हाई आरपीएम वाला है उसका स्पीड ज्यादा है एंड उसी कारण से लिखा भी है कि हाई आरपीएम करके। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए इसका स्पीड हम लोगों का ज्यादा हुआ हाई आरपीएम वाला एंड जो फॉर फैन है उसका स्पीड कम हुआ। तो अभी बाइंडिंग में देखते क्या फर्क है। तो इसका बाइंडिंग आप लोग देख सकते हो, ये जो बाइंडिंग है ये ठीक वाला वैसे बनाया गया है, जहां पे ये वाला थोड़ा थिन पतला वाला वैसे बनाया गया है। दोस्तों अभी ये चेक करेंगे कि ये दोनों मोटर का कंजम्पशन कितना है, जो पतला वाला वैसे है उसका कंजम्पशन एंड जो हाई स्पीड है उसका कंजम्पशन कैसा है। तो मल्टीमीटर को मैंने देखिए एम्पियर मोड पर भी सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये वाला जो आप अंदर में कूलिंग फैन देख सकते हैं ये वाला हम लोग का हाई स्पीड वाला है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे, तो जो आप करंट देख सकते हो वो करीब आपका 600 मिली एम्स के करीब है। अभी चलिए जो लो स्पीड वाला है उसको चेक करते हैं। तो जो लो स्पीड वाला है उसका भी आरपीएम करंट अप्रोक्स आपका 700। ठीक है, मतलब इधर पे करंट पे देखिए ज़्यादा कुछ फर्क नहीं बन रहा है, मगर इधर पे आरपीएम में आप देख सकते इसका कितना ज़्यादा आरपीएम हुआ एंड इसका कितना कम आरपीएम, मतलब थोड़ा सा कम, बहुत कम हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों फाइनल जो रिजोल्यूशन होता है वो ये होता है, अगर आपका पर्पस जो है अलग अलग है तो अलग अलग टाइप का मोटर उसमें आपको मिल सकता है। ठीक है, सपोज जो फैन में देखिए, फैन में बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो जाएगा ना, तो फैन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है एंड जो ब्लेड है वो भी खुलने का उधर पे डर रहता है। तो उसके लिए एक सर्टेन आरपीएम का मोटर बहुत बढ़िया होता है, जो कि आपका जो नॉर्मल स्पीड वाला देखे फॉर फैन, जिसके अंदर मेरे आपका 4000-5000 आरपीएम होगा अप्रॉक्स। ठीक है, जहाँ पे आपका अगर हाई पावर का बात करेंगे, अगर आप काटिंग डीलिंग ग्राइंडिंग ये सब वगैरह कर रहे हो, डीसी पंप बना रहे हो, तो उसमें आपको हाई आरपीएम की ज़रूरत है एंड पावर का जरूरत है, जिसके लिए आप ये वाला जो मोटर है ये इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपका आरपीएम बहुत ज़्यादा मिलेगा आपका एंड पावर भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जिसका आरपीएम लगभग आपका 6 से 7 हज़ार तक आता है, मगर ये सब आपका 12 वोल्ट के लिए, अगर 24 में जाएंगे तो इसका करीब आपको डबल मिल जाएगा। तो अगर ये सब आपको परचेस करना है मोटर एंड अगर आपको ये सब बैटरी वगैरह परचेस करना है, तो इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन से दे दिया, आप जाकर उधर से परचेस कर सकते हो। बाकी दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आता रहेगा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।